तो यहाँ पे आज हम लोग का जो मेन क्लास बुलाई गई है, इसका हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि पूरी वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जो है उसमें कितने स्टेप से फाइनली आपको गुजरना पड़ेगा। तो स्टेप वन आपका जो रहता है वो रहता है आपका इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है, इस स्टेप में आपको क्या करना है, आपको जो वेबसाइट बनानी है उससे संबंधित पूरा इंफॉर्मेशन आपको किससे लेना पड़ता है, क्लाइंट से आपको लेना पड़ता है। तो क्लाइंट पूरा क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन देगा और उस इन्फॉर्मेशन को लेने के दौरान आपको 2 से 4 मीटिंग क्लाइंट से लगभग करनी पड़ती है। सब पूरा उससे इन्फॉर्मेशन ले लो कि आपको कैसे वेबसाइट चाहिए, उसमें फंक्शनलिटीज क्या रहेगी। स्टेप नंबर टू जो रहता है वो आपका रहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे करते क्या है, क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद हम यहाँ पे क्लाइंट को 2 चीजें बताते हैं कि आपका वेबसाइट जो है उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, यानी कितनी कॉस्टिंग आपको लगेगी इस वेबसाइट में, और सेकेंड आपका जो वेबसाइट है वो कितने बेनिफिट्स आपको देने वाला है, यानी हम उसमें कितने फैसिलिटीज आपको देने वाले हैं। तो ये जो आपको सेकेंड में बताना है आपके क्लाइंट को, तो इसको बताने के बाद आपको वेट करना पड़ता है कि क्लाइंट आपका फाइनली हाँ बोल रहा है। अगर क्लाइंट आपका जो है वो कॉस्टिंग और बेनिफिट को देखने के बाद हाँ बोलता है तो आपकी वेबसाइट का काम आगे बढ़ता है, और इनकेस क्लाइंट मना कर दे तो आपके वेबसाइट का काम यही रुक जाता है। ठीक है, तो इस दौरान आपका जो क्लाइंट है वो डिसीजन मोड में रहते हैं उसको बनवाने के लिए। थर्ड स्टेप में अगर क्लाइंट ने हाँ बोल दिया आपको कि हाँ चलो वेबसाइट हमें बनवाना है आपसे, तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे फिर डिजाइनिंग का फेज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और डिजाइनिंग के फेज में आपको ध्यान रखना है 2 तरह के डिजाइनिंग आपको करने पड़ते हैं बैक टू बैक। पहले डिजाइनिंग में आपको क्या करना होता है, आपको लॉजिकल डिजाइन करना पड़ता है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपको पेज कैसे बनाना है, उसको पहले प्लान करते हो। लॉजिकल डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप प्लान करते हो कि आपको कैसे वेबसाइट बनाना है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते हो, फिजिकल डिजाइन में आप उसको क्या करते हो, सीधे HTML और CSS के द्वारा आप वेबसाइट की क्या करते हैं, फिजिकल डिजाइनिंग करते हो। HTML और CSS में लाकर आपने फिजिकल डिजाइनिंग किया, पूरे वेब पेज को बनाया, और इस फिजिकल डिजाइनिंग के दौरान आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूजर यानी क्लाइंट जो रहता है उसको भी आपको क्या करना होता है, अपने साथ रखना होता है फिजिकल डिजाइन में, जिससे आपका जो क्लाइंट है वो भी यहाँ पे देखते जाए कि डिजाइन वैसा हो रहा है कि नहीं जैसा उसको चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल डिजाइन में ध्यान रखना, यूजर से भी क्या करते हैं, पूछताछ करते चलते कि भाई आपके सबसे वेबसाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा, और अगर कोई चेंज करने कह रहा है तो आप चेंज भी कर दीजिए उसके हिसाब से। ठीक है, जब डिजाइनिंग पार्ट आपका कंप्लीट होता है, तो डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप क्या करते हैं, जो वेब डिजाइनर्स होते हैं कॉर्पोरेशन जो आपकी कंपनीज में वेब डिजाइनर्स होते हैं जो सिर्फ डिजाइनिंग करने के लिए बनाए जाते हैं, वो वेबसाइट को क्या करते हैं, हैंडओवर करते हैं वेब डेवलपर्स को। ठीक है, इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि वेब डिजाइनर्स का रोल जो रहता है वो यहीं पे आपका समाप्त भी हो जाता है और वेब डेवलपर्स की यहाँ पे एंट्री होती है। वेब डेवलपर्स मतलब ये वो लोग होते हैं जो आपकी वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, फाइनली एक्शन को जोड़ने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है कि वेब डेवलपर के लिए बहुत जरूरी ये काम माना गया है कि PHP या JavaScript, ये 2 में से कोई भी अगर आपके पास एक कोई लैंग्वेज अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिसमें से PHP ऑफकोर्स इस समय ज्यादा मार्केट में वर्कआउट कर रहा है। तो वेब डेवलपर का मेन काम क्या रहता है, इसको क्योंकि एक्शन जोड़ने हैं तो एक्शन के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि एक्शन अगेन यूजर्स के हिसाब से आपको जोड़ने पड़ते हैं। जो आपका जो यूजर है, जो वेबसाइट बनवा रहा है उसके हिसाब से आपको एक्शन क्या करने जोड़ने हैं। तो यहां पे जो आपका वेब डेवलपर है ये क्या कर रहा है, ये आपके एक्शंस जोड़ रहा है, और एक्शंस से जोड़ने के लिए वेब डेवलपर लगातार क्या करता है, ये भी आपके यूजर्स के साथ क्या करता है, लगातार तालमेल बिठा के रखता है और उससे पूछ के क्या करता है, डेवलपिंग का काम भी लगातार करता चलता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि वेब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस भी है, इसमें थोड़ा सा धैर्य की भी आपको जरूरत है और इसमें टाइम भी आपको लगता है, और कई बहुत सारे जो मेजर एरर्स होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है वेब डेवलपमेंट में आते हैं। इस कारण से डेवलपर्स को थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और कई बार उनको कोडिंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस बाद में भी करने पड़ते हैं क्योंकि यूजर्स एग्री नहीं होता कोड से, जो कोड आपने डाले तो आपको उसके हिसाब से चेंजेस भी करने पड़ते हैं। डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे एक और काम जो साथ में चलता है वो चलता है आपका टेस्टिंग का काम। ठीक है, तो ये जो टेस्टिंग होती है इसमें
कंपनीज प्रोफेशनल टेस्टर्स को हायर करके रखती है। ये टेस्टर्स क्या करते हैं, ये टेस्टर्स डेवलपर के साथ मिलकर काम करते रहते हैं। अमूमन यहाँ पे जो आपका डेवलपर है वो क्या करता है, वेबसाइट को बनाता है और टेस्टर को क्या करता है, भेजता रहता है। तो टेस्टर क्या करता है, उसको फॉरेन टेस्ट भी लगातार करता रहता है। अगर उसमें कोई बहुत बड़ी गलती उसको समझ में आती है, चाहे वो लॉजिकल मिस्टेक हो चाहे फिजिकल मिस्टेक हो, तो टेस्टर क्या करता है, डेवलपर को बताता है और वो उसको क्या करता है, सुधारता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेस्टिंग जो है ये काम लगातार क्या होता है, चलता रहता है डेवलपिंग के साथ। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टेस्टिंग के बारे में मैं आपको ये बहुत बड़ी चीज बता दे रहा हूँ टेस्टिंग के बारे में, कि जो टेस्टर्स होते हैं ये बहुत अनुभवी पर्सन होते हैं। ये टेस्टर्स ध्यान रखिएगा बहुत अनुभवी पर्सन होते हैं जो कई सालों से डेवलपमेंट और डिजाइनिंग का काम कर चुके हैं। ठीक है, टेस्टर्स के ओके बोलने के बाद ही वेबसाइट जो है वो आपके लॉन्चिंग केस में आती है। तो अब यहाँ पे जब टेस्टिंग हो जाती है तो इसके बाद हम लोग किस केस में आते हैं, हम लोग आते हैं डिप्लॉयमेंट सेक्शन में। और डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, वेबसाइट को फाइनली हमें पूरे विश्व में लाइव करना है, अब वेबसाइट सबको दिखना चाहिए। और डिप्लॉयमेंट ध्यान रखिएगा दो स्टेज में चलता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। डोमेन नेम का मतलब वेबसाइट का वो नाम जिस नाम से वेबसाइट को आप क्या करेंगे, पहचानेंगे, और जिस नाम से वेबसाइट को आप खोलने के लिए URL आप देंगे। तो डोमेन नेम के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो GoDaddy या BigRock ऐसी जो कंपनियां चलती है, आप इनमें जाके क्या करें, वेबसाइट का जो नाम चाहते हो उनको सर्च करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि जबलपुर बेस्ट है वेबसाइट, इस तरीके का आपको डोमेन आपको अगर सर्च करना है तो आपको पहले BigRock में या GoDaddy में जाके आप सर्च करें जबलपुर बेस्ट वेबसाइट। अगर वो नाम अवेलेबल है आपको उस नाम के साथ उसकी प्राइसिंग दी जाएगी जो हर साल रिन्यू भी होती है, तो आप उस नाम को बुक कर ले, प्राइस पे कर दे ऑनलाइन और आपको वो नाम क्या होगा मिल जाएगा। डोमेन नेम के बाद आपको ध्यान रखना सर्वर होस्टिंग भी करनी है। डोमेन नेम के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना आपको सर्वर होस्टिंग भी करनी है। और सर्वर होस्टिंग में आपको करना क्या होता है, आप यहाँ पे सर्वर स्पेस लेते हैं। सर्वर स्पेस लेने का मतलब जहां पे ये वेबसाइट फाइनली क्या होगा, रिसाइड करेगा। और सर्वर होस्टिंग के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ भी GoDaddy और BigRock के होस्टिंग सेक्शन में जाके ही आपको क्या करना है, सर्वर होस्टिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेन्यूज आपको मिलते हैं, डोमेन नेम और दूसरा क्या लिखता है, होस्टिंग साइट मिलती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सर्वर होस्टिंग के लिए भी बहुत सारे प्लान्स आपके चलते हैं, आप उन प्लान्स को देखें, जो आपको प्लान सही लगता है आप वो पैसा पे करके ऑनलाइन होस्टिंग ले लीजिए। होस्टिंग के तुरंत बाद आपको मिलता है cPanel, ये ध्यान रखिएगा। और जो cPanel होता है, इसी पैनल के द्वारा ही आपको अपनी वेबसाइट को क्या करना है, लाइव करना है। cPanel एक्चुअली एक पासवर्ड आपको मिलता है जो आपके सर्वर में वेबसाइट को पहुंचाने और वहां से एडिट करने की सुविधा आपको देता है। ठीक है, तो जो वेब डेवलपर जो होता है, ये वेब डेवलपर होस्टिंग तक क्या करता है, आपकी वेबसाइट को पहुंचाता है। और cPanel के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को लोड करेंगे सबसे पहले तो, और वेबसाइट को लोड करने के बाद लाइफ टाइम जो एडिट और मेंटेनेंस होता है ये भी किससे होता है, cPanel से ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो cPanel से लोडिंग के बाद आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है और ये सबको देखने लगता है। इसके बाद फाइनली, क्योंकि आपकी वेबसाइट अब नई है तो इस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए SEO का सहारा इसके बाद हमें लेना पड़ता है। SEO में हम लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं, जिसमें हम HTML के एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं मीटा टैग। तो इस मीटा टैग में हम लोग कीवर्ड्स के द्वारा क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं। तो ये काम सिक्स लेवल पे चालू होता है जब आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी होती है। साथ ही साथ इसकी डिजिटल मार्केटिंग भी हम लोग कराते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट जो क्या है पूरी दुनिया में पॉपुलर भी हो, लोगों को ज्यादा पता चले। ठीक है, तो ये वो छह स्टेप्स होते हैं जिनका आपको क्या करना, यूज अप करना किसी भी वेबसाइट को बना के लॉन्च करने में। और आपको क्या करना है कि इनमें से आप सबको अलग अलग जो है वर्क रोल मिलेंगे किसी भी कंपनी में। किसी का काम डिजाइनर होगा, किसी का काम डेवलपर होगा, किसी का काम जो होगा वो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम होगा, कोई सिर्फ टेस्टर रहेगा जो सिर्फ टेस्ट करता चलेगा, और कोई क्या करेगा सिर्फ SEO के लिए अपॉइंट किया जाएगा जो सिर्फ क्या करेगा SEO रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम करेगा। तो इनमें से कौन सा वर्क आपको मिलेगा ये तो आपके टैलेंट के बेस पे काम करेगा, यूज होगा, लेकिन आपको इन सारे वर्क का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और सारे वर्क आपको इनिशियल लेवल पे पूरे बनने चाहिए, जिससे आप एक कंपनी में एंटर करें और एंटर करने के बाद फिर आपको जो बेस्ट पॉसिबल प्लेस कंपनी में HR आपको देगी वहां पे आपको क्या करना है, जाके वर्क करना है।
तो होप सो कि आपको इसका जो पूरा जो मैंने एलिमेंट बताया आपको समझ में आया होगा। आप इस में सारे फैक्टर्स को बहुत मजबूती से करें। धन्यवाद।